बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे टॉर्नेडो के हवाले से। इससे पहले हम लोगों ने अर्थक्वेक के बारे में बात की थी, सुनामी के बारे में हमने बात की थी, और आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए टॉर्नेडो के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टॉर्नेडो क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉर्नेडो, टॉर्नेडो फॉर्मेशन के टॉर्नेडो कैसे बनते हैं, टाइप्स ऑफ टॉर्नेडोज, इफेक्ट ऑफ टॉर्नेडो और टॉर्नेडो सेफ्टी। इस हवाले से आज के इस लेक्चर में हम चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। आपने एंड तक हमारे साथ रहना है, इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आपको आज के इस लेक्चर में मिलेंगी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि टॉर्नेडो है क्या। आर लोकलाइज एंड वायलेंटली डिस्ट्रक्टिव विंड स्ट्रॉम अकरिंग ओवर लैंड कैरेक्टराइज बाय अ फनल शेप क्लाउड एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड। एक लोकलाइज्ड वायलेंटली डिस्ट्रक्टिव किस्म का जो तूफान होता है, हवा का तूफान, जिसकी शेप जो होती है वो फनल शेप होती है। ये देखें आपको फिगर में नजर आ रहा है ये, और हवा गोल जो होती है वो घूमती है और उसके साथ अपने साथ सब चीजों को वो उड़ा के ले जाती है। टॉर्नेडो जनरली अपीयर्स इन फनल शेप। मोस्ट टॉर्नेडोज हैव विंड स्पीड बिटवीन 40 किलोमीटर पर आवर एंड 110 किलोमीटर पर आवर। ज्यादातर जो टॉर्नेडो होते हैं उनकी स्पीड जो होती है वो 40 से 110 किलोमीटर पर आवर होती है। मेजोरिटी ऑफ टॉर्नेडोज इन द वर्ल्ड आकर इन द टॉर्नेडो वैली रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑल्सो आकर इन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड फिलिपाइंस। जो टॉर्नेडो हिट एरियाज हैं कौन कौन से हैं जी, वो टॉर्नेडो वाले रीजन है यूनाइटेड स्टेट का, उसके साथ साथ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ सेंट्रल और ईस्टर्न एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलिपाइन। ये ऐसे एरियाज हैं जिन पर जो है वो अक्सर टॉर्नेडो जो है वो आते हैं। एट ईच ईयर मोर देन 1000 टॉर्नेडोज हिट द यूनाइटेड स्टेट्स। हर साल 1000 से ज्यादा टॉर्नेडो यूनाइटेड स्टेट्स को हिट करते हैं। अ टिपिकल टॉर्नेडो ट्रेवल्स एट अराउंड 10 टू 20 माइल्स पर आवर। मोस्ट टॉर्नेडोज आकर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई एंड अगस्त इन द लेट आफ्टरनून एंड इवनिंग। कि ज्यादातर जो टॉर्नेडो हैं वो मई, जून, जुलाई और अगस्त इन चार महीनों में चलते हैं और अक्सर औकात शाम के वक्त में, सहपहर या शाम के वक्त में टॉर्नेडो चलते हैं। टॉर्नेडो जनरली ट्रेवल फ्रॉम द साउथ वेस्ट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 माइल्स पर आवर। टॉर्नेडोज रोटेट्स इन सर्कल इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रोटेट होती है हवा जो है वो बहुत तेज घूमती है। साइंटिस्ट जनरली दिस रोटेशन इज कॉल्ड मेसोसाइक्लोन। इस तरह की जो रोटेशन होती है उसको मेसोसाइक्लोन कहा जाता है। टॉर्नेडो इज ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड टू एज ए ट्विस्टर। जो टर्म है साइक्लोन, ये भी यूज होती है एज ए सिनोनिम टॉर्नेडो के लिए। साइक्लोन भी इसको कहा जाता है। हवा जो है वो साइकिल के अंदर घूम रही होती है, साइकिल चल रहा होता है और साइकिल की जद में जो भी चीज आती है वो भी उसके साथ उड़ना शुरू हो जाती है। टॉर्नेडो बनता किस तरह है जी? मोस्ट टॉर्नेडोज फॉर्म फ्रॉम थंडरस्टॉर्म्स। यू नीड वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कूल ड्राई एयर फ्रॉम कैनेडा। व्हेन दीज टू एयर्स मैसेस मीट्स दे क्रिएट इनस्टेबिलिटी इन द एटमोस्फेयर। तो ज्यादातर यूएस में आता है, तो यूएस में जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से हवा जो आती है और फिर जो कनाडा से ड्राई कूल एयर आती है, ये जब आपस में मिलती हैं तो फिर एक जो होती है इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसके नतीजे में टॉर्नेडो जो है वो बनते हैं। अ चेंज इन विंड डायरेक्शन एंड एन इंक्रीज इन विंड स्पीड विद इंक्रीजिंग हाइट क्रिएट एन इनविंसिबल हॉरिजॉन्टल स्पिनिंग इफेक्ट इन द लोअर एटमॉस्फेयर। के विंड डायरेक्शन के अंदर जो है वो एक तब्दीली आती है और विंड स्पीड के अंदर जो है वो जब इंक्रीज आ जाए और हाइट जब इंक्रीज हो जाए तो फिर एक हॉरिजॉन्टल स्पिनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है लोअर एटमॉस्फेयर में। एन एरिया ऑफ रोटेशन 2 to 6 माइल्स वाइड नाउ एक्सटेंड्स थ्रू मच ऑफ द स्टॉर्म। मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट टॉर्नेडोज फॉर्म विद इन दिस एरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग रोटेशन। तो इस स्ट्रॉन्ग रोटेशन के अंदर जो है वायलेंट किस्म के टॉर्नेडोज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। आप अगर इसकी बात करें तो वाटर स्पाउट इज अ टॉर्नेडो ओवर वाटर। वाटर स्पाउट जो टॉर्नेडो है ये वाटर के ऊपर होता है। अ फ्यू फॉर्म फ्रॉम सुपरसेल थंडरस्टॉर्म्स बट मैनी फॉर्म फ्रॉम वीक थंडरस्टॉर्म और रैपिडली ग्रोइंग कुमुलस क्लाउड्स।
वाटर स्पाउट्स आर यूजुअली लेस इंटेंस एंड कॉज फॉर लेस डैमेज। वाटर स्पाउट जो होते हैं ये क्योंकि पानी के ऊपर होते हैं, इनसे जो है वो नुकसान भी कम होता है और इनकी इंटेंसिटी भी कम होती है। लैंड सपोर्ट आपके पास जो होता है जनरली वीकर देन अ सुपरसेल टॉर्नेडो। अ लैंड स्पाउट इज नॉट एसोसिएटेड विद अ वॉल क्लाउड आर मेसोसाइक्लोन। इफेक्ट ऑफ टॉर्नेडो क्या होते थे, इफेक्ट ऑफ टॉर्नेडो जाहिर है फिर जानी नुकसान हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, खंबे गिर जाते हैं, तारें टूट जाती हैं और उनकी जद में जो भी चीज आएगी उसको नुकसान होता है। तो टॉर्नेडो से काफी नुकसान होता है। इफेक्ट की बात कर लेते हैं, टॉर्नेडोज कैन मेक पीपल डाई कि लोग मर सकते हैं। हर साल तकरीबन एवरेज अगर हम बात कर लें औसतन 5,000 लोग जो है वो इससे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। द मोस्ट एक्सट्रीम टॉर्नेडो इज इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री वाज द ट्राई स्टेट टॉर्नेडो, के जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम किस्म का टॉर्नेडो था जो ह्यूमन हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया था वो ट्राई स्टेट टॉर्नेडो था। और वो टॉर्नेडो कब हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था जी, विच रोड थ्रू पार्ट्स ऑफ मिसौरी इलिनॉइस एंड इंडियाना ऑन मार्च 18, 1925। और इट इज द डेडलीस्ट सिंगल टॉर्नेडो इन यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री 695 डेड। द डेडलीस्ट टॉर्नेडो इन वर्ल्ड हिस्ट्री वॉज द दौलतीपुर सल्टोरिया टॉर्नेडो इन बांग्लादेश ऑन अप्रैल 26, 1989, विच किल्ड अप्रोक्सीमेटली 1300 पीपल, जिसमें 1300 से ज्यादा लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। बांग्लादेश में ये आया था और आपके सामने किस तरह से तबाही होती है ये स्क्रीन पर देखें आप, टॉर्नेडो किस तरह से जितनी भी चीजें उसके रास्ते में आती हैं उनको तबाह कर देता है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बात की आपसे तबाह हो जाता है, लोग जो उसकी जद में आते हैं वो मारे जाते हैं, तारें टूट जाती हैं और इससे बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान का अंदेशा होता है। ये आज का हमारा लेक्चर था टॉर्नेडो के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको जो है वो फायदा देंगी एग्जाम में। विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू वेरी मच।